कि इस एफआईआर में जो इस एयरपोर्ट का जो कस्टोडियन है, जो मालिक है, एयरपोर्ट डायरेक्टर ढींगरा, उसके ऊपर भी एफआईआर है। कभी उसके बारे में, मुझे तो लगता है कि सारे अखबार वालों को, सारे चैनल वालों को उसके बारे में सोचना चाहिए कि उस एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऊपर जो है क्यों एफआईआर है। उस एयरपोर्ट डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर है कि उसको पता था, डीसी देवघर को, कि एफआईआर 1 मिनट में हाईकोर्ट में उड़ जाए, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे यदि कोई गलती हुई है या किसी ने रूल का वायलेशन किया है, कोई सिक्योरिटी धमकाया है किसी को, तो उसका इंचार्ज एयरपोर्ट अथॉरिटी का डायरेक्टर है। वो कह रहा है कि कोई रूल हमने वायलेट नहीं किया है, सब कुछ सही समय पर, सही स्थान पर हुआ है, रूल के हिसाब से हुआ है, वो सब लिखत पढ़त है, क्योंकि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ होता है वैसे ही लॉगिन भर दिया जाता है। हम वहां एयरपोर्ट पर 5:15 पर पहुंचते हैं, एफआईआर खुद कहता है कि 5:25 पर हम एयरक्राफ्ट के अंदर थे, 6:04 पर सनसेट था, उसके आधे घंटे बाद तक, 20 मिनट बाद तक जो है कोई प्लेन टेक ऑफ और टेक इन कर सकता है। आप ये समझिए कि किस रूल का वायलेशन हुआ। एटीसी केस नहीं कर रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी केस नहीं कर रहा है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, डीजीसीए नहीं कर रहा है, ये डीसी देवघर जो है कानून पढ़ा रहा है। डीसी देवघर क्यों कानून पढ़ा रहा है कि जिस नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की ये बात कर रहा है, ये देखिए कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हूं। इसका 15 सितंबर को सुनवाई है, वहां पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। इस देवघर एयरपोर्ट और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कैसे नहीं हो, इसके लिए डीसी देवघर और झारखंड सरकार पूरी चिंतित है। ये पूरा उसने हलफनामा, गलत हलफनामा दिया है। आज भी वहां घर नहीं गिराए गए हैं, आज भी पेड़ नहीं कटे हैं। उसको मैंने देख लिया, मेरा वकील जो है 15 सितंबर को चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा, तो कहां से मैं देख सकता था? तो जहां से मैं देख सकता था वो वही पोजिशन था जो एयरपोर्ट डायरेक्टर ने मुझे अनुमति दी। मैंने एयरपोर्ट, और मैं चेयरमैन हूं उस एयरपोर्ट का, उसके बावजूद भी एयरपोर्ट डायरेक्टर से मैंने अनुमति ली। मनोज तिवारी जी मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने भी अनुमति ली, और मैं चूंकि नंगे पांव जा रहा था, अब मेरे बच्चों के ऊपर क्वेश्चन है, नंगे पांव जा रहा था, वो सीसीटीवी में कि मैं बिना जूता चप्पल के जा रहा था। तो क्या आपको लगता है कि 18-19 साल का आपका बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, वो अपने फादर को जो है नंगे पांव जाने दे? यही भारतीय सभ्यता संस्कृति है। वो जूता और चप्पल लेके कह रहा है कि पापा चप्पल पहन लीजिए, पापा जूता पहन लीजिए। ये 5:36 का केस है, इसीलिए है कि मैं देखना चाहता था, और मेरे वकील कैसे लड़ेंगे इस कारण से उसको मंजूनाथ भजंत्री को लगता है कि हाईकोर्ट जो है मेरे खिलाफ स्ट्रिक्चर दे देगी और मेरी नौकरी चली जाएगी, तो उसने जो है जबरदस्ती ये केस कराया। दूसरा मैं बताऊं, ये नियम कानून की बात करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का ये लेटर है, 6 दिसंबर 2021 को चुनाव आयोग के फुल बेंच ने मेरे ऊपर 8 केस कराए मधुपुर बाय इलेक्शन के बाद, इसी मंजूनाथ भजंत्री ने, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया 6 दिसंबर 2021 को कि इमीडिएटली इसको हटाइए। 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, एक सुपारी देख के झारखंड सरकार ने इसको रखा हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। इसलिए मुझे न झारखंड सरकार के ऊपर कुछ बोलना है, न मंजूनाथ भजंत्री के ऊपर बोलना है। हम अंकिता को न्याय दिलाने गए थे, पूरा झारखंड इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है, मेरे वाइफ के ऊपर 15 केस कर दिए, मेरे 18-19 साल के बच्चे के ऊपर केस कर दिए, जितना केस करना है करो, 37 केस मेरे और मेरे परिवार के ऊपर हो गए हैं। केस लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ, दो दो हाथ करने को तैयार हूँ, ये लड़ाई जारी रहे। अब इसमें किस तरीके से क्लैरिफिकेशन देंगे सर, क्या रहेगा आगे का आप लोगों का? ये तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से आप पूछ लीजिए ना, मैं क्लैरिफिकेशन क्यों दूँ? एयरपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, डीजीसीए का है। आपको क्या लगता है, ये मुखर होके लगातार आपका हर मामले पर बोलना या झारखंड के इश्यूज को उठाना, चाहे वो अंकिता का मुद्दा हो, यही वजह है, क्या वजह है? मैंने दोनों चीज फैक्ट आपको दे दिया, फैक्ट सामने है, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मुझे मीडिया पर भरोसा है, मैंने दोनों फैक्ट आपके सामने दे दीजिए, अब मीडिया को और जनता को तय करना है कौन सही है कौन गलत। हालांकि फिलहाल जो एक और मुद्दा चल रहा है झारखंड में, जो परिस्थितियां पिछले दिनों आपने खुद ही बोला था कि इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है, चाहे पलामू में पलायन का मुद्दा हो या फिर तमाम सारे मुद्दे हो, अभी जिस तरीके से परेड चल रहा है रांची से रायपुर, रायपुर से रांची, पिछले दिनों बघेल साहब ने खुद बोला कि अब देखिएगा सीबीआई, ईडी, ये सब लग जाएंगे हमारे पीछे, तो क्या क्या लग रहा है, जो परिस्थितियां हो रही है राजनीतिक भी काफी उथल पुथल देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये चोरों का सरकार है, अली बाबा और 40 चोर हैं ये लोग, अली बाबा हेमंत सोरेन और ये 40 चोर जो है उसके विधायक है, इनके बारे में आप क्या बात करेंगे? हमारी लड़ाई जनता के बीच में, अंकिता को देखने जब हम लोग गए, उसके परिजनों से मिलने के लिए गए, मैं, मनोज तिवारी जी और कपिल, तो मैं आपको बताऊं कि काफ़ी बारिश हो रही थी, सारे देश के पत्रकार वहां मौजूद थे, उस वक्त भी 10-15 हज़ार की डेडिकेटेड एक भीड़ जो है मौजूद थी उस दुमका में, जिस दुमका ने शिबू सोरेन फैमिली को शिबू सोरेन बनाया।
तो ये समस्या है, उनको लगता है कि उनको चूल हिल गई है, उसी संथालपना में चूल हिल गई है। इस कारण से वो दिल्ली से दौलताबाद करते रहे, अली बाबा 40 चोर के साथ हैं, न ईडी से कोई डराने वाला है, ना सीबीआई से, ना इनकम टैक्स से। ये वो कहेगा जो चोर होगा, जिसको डर होगा, हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता की लड़ाई करेंगे और हिम्मत है तो मिड टर्म पोल करेंगे। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन अभी तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ कि होगा या नहीं होगा। इसका जवाब गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है, मैं कोई ऑथराइज नहीं। आपने कहा कि मिड टर्म पोल के लिए हम तैयार है, तो क्या परिस्थिति? इसीलिए कि वो लेके भागे हैं ना, एमएलए को लेके भागे हैं, अभी तो कोई हुआ ही नहीं ना, गवर्नर साहब ने तो कोई लेटर दिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ने क्या भेजा, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन वो अपने एमएलए को लेके भाग रहे हैं, तो वो उनका डर है ना, तो डर है तो जनता के बीच में जाइए। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी अस्थिरता पैदा कर रही है झारखंड। बीजेपी ने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, आप बताइए ना, एक ऐसा रीजन, हमने महादलित को भगा दिया पलामू में, हमने अंकिता को जला दिया दुमका में, हमने रांची में आदिवासी लड़की के साथ रेप करा दिया, हम करा रहे हैं। और अस्थिरता तो आपका प्रशासन कर रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठिया, इस्लामीकरण, स्कूलों का उर्दूकरण, रविवार के बदले शुक्रवार पे छुट्टी आपके स्कूलों में, ये सब हम कर रहे हैं। अस्थिरता तो आप पैदा कर रहे हैं, इस्लामीकरण की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और चोर के दाढ़ी में तिनका, इसलिए आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।